हम रुक करते हैं रायपुर का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता रेविंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। जी रेविंद्र, बताइए कि लगातार रायपुर में बारिश हो रही है और बारिश में कितनों को समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्या का सामना बहुत करना पड़ा है। राजधानी रायपुर में कल जो बारिश हुई है, उससे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि काफी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण राजधानी रायपुर के सिटी अंदर के एरिया काफी जलमग्न हो गए हैं, जल भराव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजधानी से थोड़ा आगे आके विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर ग्राम धनेली में उस प्रकार का ये माहौल है, जहां पर आज सुबह रेस्क्यू टीम ने लगभग 53 लोगों की जाने बचाई है। पूरा एरिया, ये पूरा जगह पानी जलमग्न है, जिसके कारण 53 लोग यहाँ पर फंसे होने की सूचना मिली। उसके उपरांत एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच के मौके पर जायजा लिया और 53 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये जो आप छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, दूर में है, क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते, आगे काफी गहराई है। यहाँ पर ईटा भट्टे का काम होता था, ईटा भट्टे का ईटा बनाने का काम वहां से मजदूर करते थे, उनका घर भी है। छोटे छोटे झोपड़ियों पे अगर देखना चाहते हो आप, दूर से आपको दिखा सकते हैं हम कि जो घर है वहां तक पानी घुस गया है और जो रास्ते में भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की जो गाड़ी आने जाने की जो रास्ता है वो भी बाधित है। इसके अलावा जो ये हाईवे का रास्ता, यहाँ पर तमाम पानी के लिए जो निकासी के लिए जो रास्ता बनाया गया था, वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है, जिसके कारण पानी धीरे धीरे बाहर जा रहा है। लेकिन प्रशासन का एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी बारिश में ऐसा कभी दृश्य देखने को नहीं मिलता है रायपुर में, और रायपुर के ये विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जिस पर ग्राम धनेली में ये घटना हुई है, जिसमें बारिश का पानी एक जगह जमा हुआ और जिसके कारण ये बड़ा विकराल रूप लेता गया। अगर हम बात करेंगे अगर और थोड़ा अंदर जाने की, तो ये जो रास्ता है ये पूरा बड़े छोटे छोटे पत्थरों से है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग 53 लोग यहाँ पर मौजूद थे जो बारिश में फंसे हुए थे, जिसको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है, उनका सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसमें महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे और परिवार के सभी लोग थे। जी रेविंद्र, किसी को जनहानि नहीं हुई है? अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस मौके में प्रशासन की टीम ने यहाँ पर आकर जांच की और 53 लोगों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला है। एक दूसरा बड़ा मामला, थोड़े देर यहाँ से थोड़ा दूर और आगे जाएंगे तो वहाँ पर मुलाकात, वहाँ पर मौजूदा हालात वहाँ पर क्या है उसका अपडेट हम आपको सीधा देंगे, क्योंकि ये जगह अच्छे धनेरी का है। इसके आगे की जो जो रास्ता है वहाँ पर इससे बड़ा पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। अभी भी जानकारी स्पष्ट रूप से ये नहीं आई है कि वहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लगभग 53 लोगों को बाहर निकाला गया। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रेविंद्र।